गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, अब हम एक्सरसाइज 5.3 पे जाएंगे। बिफोर वी बिगिन विद दी सम्स, हम पहले कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे। फर्स्टली कर्व्स एंड देन पॉलीगॉन्स। सो सबसे पहले कर्व क्या होता है? अगर मैं पेंसिल की एक शार्प टिप लेके शीट ऑफ पेपर में ऐसे रब करूं एंड एक जगह पे आके रोक दूं, सो दिस इज कॉल्ड एज एनी कर्व। नाउ कर्व या तो ऐसा हो सकता है जहाँ जहाँ से मैंने शुरू किया है वहीं पे आके रोक दूँ, या फिर आई कुड हैव जस्ट स्टॉप्ड ओवर हियर और ये वाला पार्ट ना हो, या फिर मैं इसकी एक सीधी लाइन भी बना के अगर छोड़ दूँ यहाँ पे, तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ कर्व इन मैथमेटिक्स। नाउ इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो सेम पॉइंट से स्टार्ट की है और वही एंड हुई है, दीज आर कॉल्ड एज क्लोज कर्व्स, जो कि बंद हो जाते हैं, जैसे कि ये। एंड कुछ ऐसे होते हैं जो कि बंद नहीं होते, जिसके दो डिफरेंट स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट्स हैं, सो दीज आर कॉल्ड एज ओपन कर्व्स। नाउ इनमें से कुछ हैं जो कि सिंपल क्लोज कर्व, समथिंग लाइक दिस एंड दिस, जहाँ पे इधर आप देखते हो तो थोड़ा ट्विस्टेड है, यहाँ पे भी ऐसे है, एंड हियर ऑल्सो। सो दीज आर कॉल्ड एज सिंपल कर्व, जिसका इंटीरियर ऐसे हमें एक ही दिखता है, यहाँ पे दो हैं, यहाँ पे दो हैं, सो दिस इज कॉल्ड एज अ सिंपल क्लोज कर्व। नाउ सिंपल क्लोज कर्व लाइक दिस, कोई एक कवर्ड एरिया, बंद एरिया पूरा, इसका भी एक इंटीरियर होता है, एक एक्सटीरियर होता है। जो ये शेडेड पार्ट दिख रहा है, जो रेडिश कलर का पार्ट दिख रहा है, दिस इज द इंटीरियर। क्या है ये? इंटीरियर। इसके बाहर जितना भी है दैट इज कॉल्ड एज द एक्सटीरियर। सो पॉइंट ए लाइज ऑन द इंटीरियर, वेयर एज बी कहाँ आता है? एक्सटीरियर पे। इंटीरियर मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। इसकी ये जो रेड लाइन है, दिस इज कॉल्ड एज द बाउंड्री। नाउ इंटीरियर प्लस द बाउंड्री इज कॉल्ड एज द रीजन ऑफ द कर्व। नेक्स्ट टॉपिक है पॉलीगन। ये सारी चीजें एक्सेप्ट फॉर दिस वन एंड दिस वन, ये चारों पॉलीगन्स हैं। पॉलीगन्स क्या होते हैं? अ क्लोज्ड कर्व, ओपन नहीं होना चाहिए, एंटायरली मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, मतलब लाइन सेगमेंट से बना होना चाहिए, एंड इट मस्ट बी अ क्लोज्ड कर्व, मतलब कि उसकी स्टार्टिंग एंड क्लोजिंग पॉइंट सेम है। फॉर एग्जाम्पल, इसको यहाँ से स्टार्ट किया, ये इधर हम वापस पहुँच रहे हैं, इन द सेम वे यहाँ पे भी। लाइन सेगमेंट क्या होते हैं? दिस टू दिस। अब हमने यहाँ नाम भी दे सकते हैं, ए बी सी डी ई। सो यहाँ पे लाइन सेगमेंट ए बी, लाइन सेगमेंट बी सी, लाइन सेगमेंट सी डी एंड लाइन सेगमेंट डी ई, लाइन सेगमेंट ए ई। तो ये अलग अलग लाइन सेगमेंट से बना है। इनमें से जो फर्स्ट फोर हैं, दे आर सिंपल क्लोज कर्व बट एंटायरली मेड ऑफ लाइन सेगमेंट्स, दैट इज वाई दे आर कॉल्ड एज पॉलीगन्स। ऐसे सिंपल क्लोज कर्व्स मतलब कि जिनका अंदर का इंटीरियर सेम ही हो, कुछ अलग नहीं जा रहा है, लाइक दिस वन इसका अलग जा रहा है, सिमिलरली यहाँ पे भी अलग इंटीरियर्स हैं, सो दिस इज नॉट अ पॉलीगन। और ये क्यों नहीं है? क्योंकि दिस इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना होता है। इसके ये लाइन सेगमेंट्स हो गए ए बी एंड सी, तो ए सी एंड ए बी आर लाइन सेगमेंट, बट दिस इज अ कर्व, सो दिस इज नॉट अ पॉलीगन। नाउ लाइन सेगमेंट्स फॉर्मिंग अ पॉलीगन आर कॉल्ड इट साइड्स। तो इसके साइड्स हो गए ये, ऑल दीज आर साइड्स, लेट्स नेम इट ए डी ए। तो साइड ए बी, बी सी, सी डी, डी एफ एंड एफ ई, दीज आर ऑल साइड्स, ओके। एंड द एंड पॉइंट्स ऑफ दीज सेगमेंट्स आर कॉल्ड वर्टाइसेस। वर्टाइसेस क्या है? एंड पॉइंट। एंड पॉइंट लाइक दिस वन हियर, खाली इसको वर्टाइस ए बी सी डी ई एंड एफ। इन अदर वर्ड्स, मीटिंग पॉइंट ऑफ अ पेयर ऑफ साइड्स आर कॉल्ड वर्टेक्स ऑफ द पॉलीगन। मतलब कि जो जहां पे मीट कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल ये, तो दिस इज अ वर्टेक्स, दिस इज अ वर्टेक्स फॉर दीज टू,
sides. This is a vertex for side DC and BC. Vertex होता है singular, मतलब एक की बात करें तो vertex, अगर एक से ज्यादा की बात करते हैं, plural की बात करते हैं, तो they are called as vertices. Now, what are adjacent sides? Two sides of a polygon with a common endpoint are called as adjacent sides. दो साइड्स जिसका कॉमन एंड पॉइंट है, ये ई पे एंड हो रहा है, ये ई पे एंड हो रहा है, तो यहाँ पे डी ई एंड ए ई, दीज आर कॉल्ड एज एडजेसेंट साइड्स. और ये दोनों भी एडजेसेंट होंगे विद कॉमन पॉइंट ए व्हेन वी कंसिडर बी, सो दीज टू आर दी एडजेसेंट साइड्स. एंड पॉइंट्स ऑफ द सेम साइड ऑफ अ पॉलीगॉन आर एडजेसेंट वर्टाइसेस. यहाँ पे एडजेसेंट वर्टाइस क्या है, पॉइंट ए B for this point, C for these two, point D for these two. The line segments formed by joining non-adjacent vertices are called as diagonals. मतलब कि जो non-adjacent, मतलब एक दूसरे के साइड में नहीं है जो, उन vertices को जब हम join करते हैं like with this dotted line, these are called as diagonals. फॉर एग्जाम्पल दिस वन, जो साइड साइड की हम वर्टाइसेस नहीं जोड़ रहे हैं, जिससे बीच में एक छूटता है, यहाँ पे ई छूट रहा है, यहाँ पे बी छूट रहा है, यहाँ पे डी छूट रहा है, ये जो डॉटेड लाइन्स हैं, दीज आर कॉल्ड एज डायगनल्स. नाउ वी विल स्टडी सम टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स. नाउ ट्राइंगल इज अ थ्री साइडेड पॉलीगन, मतलब इसकी तीन साइड्स होती है. लेट्स नेम देम ए बी, बी सी एंड ए सी. इसके अलावा इसमें तीन एंगल्स होते हैं, एक ये वाला एंगल दैट इज ए बी सी, देन बी सी ए ये वाला एंगल, एंड देन सी ए बी ये वाला एंगल. सो दीज आर द थ्री एंगल्स. इसको हम कैसे, एंगल्स को हम ऐसे लिखते हैं, वेर एज इसको हम लिखेंगे ट्राइंगल ए बी सी और विच एवर वे यू वॉन्ट टू से. अगेन इसका जो अंदर वाला एरिया होता है, इट इज कॉल्ड एज द इंटीरियर. फॉर एग्जाम्पल पॉइंट पी लाइज ऑन द इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, एंड पॉइंट क्यू लाइज ऑन द एक्सटीरियर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी. नाउ लेट्स कम डाउन टू क्वाड्रिलेटरल्स. क्वाड मतलब क्या होता है, फोर. तो इसकी चार साइड्स होती हैं, ए बी, बी सी, सी डी एंड डी ए. इसकी, इसको हमें उल्टा ऐसे नहीं आप नाम दोगे कि फ्रॉम हियर वी आर गोइंग टू हियर, नो, ऐसे या फिर ऐसे कैन स्टार्ट फ्रॉम एनी, बट जो बाहर के बाहर से ही आप नेम करना इसको स्टार्ट करोगे. इन द क्वाड्रिलेटरल देर आर फोर साइड्स वी नो, एंड देर आर फोर वर्टाइसेस, मतलब जो इनके साइड्स के पॉइंट्स हैं जहाँ पे ये मिलता है, दिस दीज आर दी वर्टाइसेस. यहाँ पे चार एंगल्स हैं, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी. और इसके हम दो डायगनल्स ड्रॉ कर सकते हैं ऑपोजिट वर्टाइसेस को ज्वाइन करने के लिए विद दीज डॉटेड लाइन्स. अगेन इसका इंटीरियर अंदर वाला पार्ट है, एक्सटीरियर ये वाला पार्ट है, एंड दिस इज दी बाउंड्री. अब यहाँ पे देर इज समथिंग कॉल्ड एज एडजेसेंट एंगल्स एंड ऑपोजिट एंगल्स. एडजेसेंट एंगल्स क्या होता है, जो एक दूसरे के साइड में हो, जैसे कि एंगल ए एंड एंगल बी, एंगल ए एंड एंगल डी, एंगल बी एंड एंगल ए, जो साइड वाला हो. एंड ऑपोजिट मतलब जहां से हमने डायगनल्स निकालते हैं, दैट इज एंगल ए एंड सी आर ऑपोजिट एंगल्स एंड एंगल बी एंड डी आर ऑपोजिट एंगल्स. सिमिलरली ऑपोजिट साइड्स, ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं, मिलती नहीं हैं, एंड ये दोनों भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं विद इन दिस डायग्राम. नाउ लेट्स बिगिन विद एक्सरसाइज 5.3. तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर वन है, इसमें हमें रफ डायग्राम्स बनाने हैं बेस्ड ऑन फोर क्वेश्चन. सो फर्स्ट टू आई हैव ऑलरेडी डन, आई विल एक्सप्लेन. ओपन सिंपल कर्व, ओपन जिसके दो अलग एंड्स हों और बीच से उनका एरिया कट नहीं हो रहा हो. क्लोज्ड सिंपल कर्व, जिनके स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट सेम हो, जो एक जगह पे मिल रहे हों, बीच का रीजन हम शेड कर सकते हैं एक बार में. ओपन कर्व दैट इज नॉट सिंपल, दो अलग एंड पॉइंट्स बट इट्स नॉट सिंपल,
यहाँ यहाँ, बट ये बीच वाला एरिया मेक्स इट नॉट सिंपल. क्लोज्ड कर्व दैट इज नॉट सिंपल, समथिंग लाइक दिस. क्योंकि ये क्लोज तो है बट ये सिंपल नहीं है, सिंपल नहीं है, क्योंकि अगर हम शेड करेंगे तो दो अलग एरियाज शेड होंगे यहाँ पे. नाउ कम्स क्वेश्चन नंबर टू. क्वेश्चन नंबर टू में हमें फिगर दिया हुआ है एंड हमसे पूछा है कि इज इट अ कर्व, क्या ये कर्व है? येस इट इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व. इज इट अ क्लोज्ड कर्व? येस. इज इट अ पॉलीगॉन? पॉलीगॉन क्या होता है? जिसके जो लाइन सेगमेंट से बना हो. यहाँ कोई कर्व है कि नहीं, जो कि लाइन सेगमेंट से बना हो. यहाँ ऐसी कर्वी लाइंस नहीं होनी चाहिए. सो दिस इज अ लाइन सेगमेंट, ये सारे ही लाइन सेगमेंट है. सो द आंसर इज येस. नाउ इन द नेक्स्ट वन क्वेश्चन इज draw a rough sketch of triangle ABC, mark a point P in its interior and point Q in its exterior. हमने ABC triangle बनाया, अब हमें इसके interior में एक point रखना है जिसको हम नाम P देना है and एक exterior में रखना है जिसको हम नाम Q देना है. Now, the next part of the question is point A on interior or exterior? तो ये है वो point, क्या वो interior में है या exterior में है. हमने देखा कि this is neither interior nor exterior. ये किस पे पड़ रहा है? On the triangle, मतलब उसकी boundary में. So, A is neither Now, in the next question, draw a rough sketch of quadrilateral PQRS. इधर से नाम नहीं देंगे आप हमेशा एक तरीके से, या तो clockwise या anti-clockwise. You will not go here. Okay? Now we have to draw its diagonals. Diagonals के केस में हम ऐसे जाते हैं. So, this is one. You will be doing this with a scale. For the purposes of making video, मैं इसको स्केल से नहीं कर रही हूँ. When I send you a picture, this will be drawn with the scale only. So here, PR and QS are the diagonals of polygon PQRS. क्वेश्चन नंबर 5 and 6 हम इसमें ही टेक्स्ट बुक में करेंगे. प्लीज़ रिमेंबर वाइल स्टडिंग दिस चैप्टर, हमने 5.2 भी टेक्स्ट बुक में किया है. 3 के भी ज़्यादातर क्वेश्चन टेक्स्ट बुक में किए हैं. सो विल यू विल ओपन योर टेक्स्ट बुक एंड स्टडी फ्रॉम दिस ड्यूरिंग योर एग्जाम्स एंड अदरवाइज ऑल्सो. इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ गिवन फिगर, इज इट अ सिंपल क्लोज्ड कर्व? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जा रहा है एंड ये पॉइंट सेम जगह पे है. शेड करेंगे तो पूरा एक रीजन शेड होगा, कोई दो नहीं हो रहे हैं. तो यस, इट इज अ सिंपल क्लोज कर्व. इज इट अ क्वाड्रिलैटरल? क्वाड्रिलैटरल में क्या होता है? देर आर फोर साइड. लेट्स काउंट 1, 2, 3 and 4. सो यस, ड्रॉ इट्स डायगनल्स एंड नेम देम. डायगनल जब हम ऑपोजिट वर्टाइसेस ज्वाइन करते हैं. You'll do this with a scale when I send you a picture. तो ये स्केल से ड्रॉन होगा. इनका क्या नाम है? ए सी एंड बी डी. स्टेट विच डायगनल लाइज इन द इंटीरियर एंड विच इन द एक्सटीरियर. तो ए सी एंड बी डी. ए सी कहाँ है? अंदर वाले एरिया में. तो वी राइट इंटीरियर. BD कहाँ है? बाहर. सो इट इज इन द एक्सटीरियर. कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द एक्सरसाइज, ड्रॉ अ रफ स्केच ऑफ क्वाड्रिलेटरल KLMN. स्टेट टू पेयर्स ऑफ ऑपोजिट साइड्स. ऑपोजिट मतलब
जो एक दूसरे के ऐसे ऑपोजिट हो, साइड साइड से कॉमन पॉइंट नहीं हो जिनका. सो दैट इज दीज टू एंड दीज टू. सो टू पेयर्स एन एंड एम एंड के एंड एल एंड एन एन के एन एम एन एल. टू पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स इसके सामने है ये. सो दीज आर ऑपोजिट्स, एंगल के एंड एंगल एम. ऐसे ही दूसरा है दीज टू इसके सामने, एंगल एल एंड एंगल एन. टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड्स मतलब जिनके बीच वाला पॉइंट कॉमन हो. सो दीज टू, एन के एंड एल के. दूसरा लेट्स टॉक अबाउट दिस पॉइंट, एल एम एंड एन एम. टू पेयर्स ऑफ एडजेसेंट एंगल्स मतलब कि एक से जिनकी साइड्स से आसपास से एडजेसेंट हो. सो दीज टू, एंगल के एंड एंगल एन, एंगल एन एंड एंगल एम. सो विद दिस वी हैव कम्प्लीटेड एक्सरसाइज 5.3. प्लीज़ मेक श्योर आप अपनी नोटबुक एज वेल एज टेक्स्ट बुक दोनों से पढ़ें, एंड इफ देर इज एनी डाउट प्लीज़ आस्क मी. थैंक यू.